चंद्र हुड्डा जी के पास और जितेंद्र जी के पास आए थे लड़कियों के कॉलेज के लिए, जो बीगल में पढ़ने को जा रहे हैं, उन्होंने आर्मी भर्ती है, अपना राज आएगा, आते ही बिल्डिंग भी बनवाएंगे और मंजूरी भी देंगे। कुछ किया है गाँव वालों को, गुआंढ वालों को, कि इसके अलावा भी और कई चीज़ें आपको जरूर देंगे। हमारे साथ मांगे प्रधान जी है, नमस्कार जी। नमस्कार भाई, आपसे सलोमे भूपेंद्र हुड्डा की बात हुई, क्या बात हुई थी? आज भाई हम गांव को आंड उसमें भूपेंद्र हुड्डा के पास लड़कियां गा कॉलेज के बारे में आए थे। हुड्डा साहब ने कह दिया अब भाई पहली कलम से भी गलगा कॉलेज की मंजूरी होगी और मैं बनवाऊंगी। हमारे साथ मास्टर श्रीओ महलाव जी है, नमस्कार जी। नमस्कार भाई। प्रधान जी, जो आज बातें हुई हैं डिगल पंचायत की जितेंद्र हुड्डा के साथ, भूपेंद्र हुड्डा के साथ, उसे कितने संतुष्ट और क्या बातें हुई हैं? देखो भाई, पूरी तरह से संतुष्ट हुए हैं। जो सोच करके हम चले थे उससे भी ज़्यादा हुड्डा साहब ने पंचायत को आश्वासन दिया है कि राज आते पहली कलम से इस कॉलेज को मंजूर में करूँगा। बल्कि पंचायत ने ये भी कहा था कि जब हम बिल्डिंग वगैरह बना लें तो हमें बिल्डिंग बनाने की जरूरत है, सरकार जब आपकी आएगी तो बिल्डिंग भी हम ही बनाएंगे। और एमपी साहब ने तो उससे ही बढ़ करके आगे कह दिया है कि मैं और भी कई एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन जो है इसमें मैं हम बनवाएंगे। और भाई देखो, मैं ये राजनीतिक बात तो है नहीं, सभी पार्टियों के आदमी हो सकता है कोई कोई, लेकिन ये बीजेपी पार्टी सिर्फ नारा देती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, न बेटी बचाने में इनका कोई हाथ है और न बेटी पढ़ाने में कोई इंटरेस्ट है। कई बार इनसे लोग मिले हैं इस सरकार के, जो मौजूदा सरकार के आदमियों से, इनके सीएम से ही मिले हैं, लेकिन उन्होंने कोई भी आश्वासन इस लड़कियों के कॉलेज को बनाने में कोई भी आश्वासन नहीं दिया। जो ये नारा है बेटी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, इसका नारा अभी ये जितेंद्र हुड्डा ने जो कहा है महिला कॉलेज बनवाने के लिए बारे में, इसके बारे में सिद्ध हो रहा है ये? तो बिल्कुल प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। हुड्डा साहब चाहे दीपेंद्र की बात हो चाहे चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा की बात हो, ये नारों में और जुमलों में विश्वास नहीं करते, ये काम में विश्वास करते हैं और ये काम करके दिखाते हैं, और आज भी इन्होंने इसी बात को साबित किया। आज जो बातें हुई हैं, क्या बातें हुई हैं और कितने संतुष्ट हो आप लोग? पूरी पंचायत ये बस के अंदर बैठी हुई है, अब जो बातें हो चुकी हैं उसके बारे में, और कितने संतुष्ट हैं? बढ़िया हो गया। हमारे साथ डिगल के ग्रामीण है, नमस्कार जी। आज जो पंचायत के मेन सदस्य रहे हो आप और ये तस्वीर जी और मांडे जी, तो पंचायत मतलब एक संगठन के साथ जो अपनी बात रखी है दीपेंद्र हुड्डा के साथ, भूपेंद्र हुड्डा के साथ है, उस बात से आप सभी कितने संतुष्ट हो? और जो इन्होंने जो आश्वासन दिया है, जो कार्य करने का निर्णय लिया है सरकार बनने के बाद, इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? इसके बारे में यही कहना चाहते हैं भाई, जो बहुत बढ़िया निर्णय दिया है, अपनी कलम से कहा है कि अब ही पहला काम करूँगा और लोगों को पूरी उम्मीद है, सभी ने पता है कि आने वाली सरकार कांग्रेस की बनेगी। मतलब ये मान सकते हैं पूरा गांव पूरी तरह संतुष्ट है इनके फैसले? बिल्कुल बिल्कुल, गांव को नजदीकी गांव के लोग जो है सभी इस बात से संतुष्ट हैं। जिस उम्मीद के साथ आप लोग यहां आए थे, उस उम्मीद पर ये खड़े उतरे हैं? बिल्कुल खड़े उतरे हैं। इन जो आश्वासन दिया है वो कोई भी सरकार नहीं दे सकती। इन नदर ने भी कह दिया भाई कोई संदेह की जरूरत नहीं, हम अपना आप बना देंगे। हमारे साथ भूपेंद्र जी हैं बमेवा गांव से, और ये भी आज इस महिला कॉलेज के बारे में हमारे साथ आए हुए हैं। भूपेंद्र जी, जो बातें महिला कॉलेज के बारे में दीपेंद्र हुड्डा से हुई हैं उसके बारे में आप लोग कितना संतुष्ट हैं? 12-13 गांव से आते हैं, इन्हें सब ने अपनी एक बात रखी, लेकिन हुड्डा साहब ने और एमपी साहब ने तो इनको इतना खुश कर दिया कि आप एक महिला कॉलेज वहाँ पे आने वाले टीम में डिगल गांव को एक जाने माने अक्षर जैसे राई है स्पोर्ट्स स्कूल के नाम से जाना जाता है, ऐसे शिक्षा के माध्यम में डिगल गांव जाना जाएगा। भाई क्या कहना चाहोगे इसके बारे में? तो सोच के ये आए थे कि हुड्डा साहब से एक रिक्वेस्ट करेंगे कि जैसे चाहे तो हमारी विधानसभा सदस्य इसमें हमारी आवाज़ उठाओ, लड़के कॉलेज हमारा डिगल है, हमारे अलावा तो कोई काम नहीं, यहाँ पर हमारे एरिया में कोई ऐसा कॉलेज गाँव के लड़कियों के लिए जाने के लिए ना बचा सकते, हमारी एक ही मांग थी हुड्डा साहब से हमारी आवाज़ उठाओ, हमारे गाँव का आंदोलन।
हमारे को सर्विस की मान्यता दी जाए। तो हुड्डा साहब ने कहा कि आपका जो आने वाला टाइम है उसमें मान्यता और आप लोगों ने बिल्डिंग में मना कर देंगे आप, मतलब एक पैसा भी डिगल की पंचायत और आसपास की पंचायत गवांड किसी ने भी लगाने की जरूरत नहीं, सबकी सहन जरूरत नहीं, गवांड सोवांड डिगल में एक पैसा की जरूरत नहीं।